हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम जिस बंदे पे रिएक्ट करने वाले हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें इंडिया में क्या फॉरन में भी हर कोई जानता ही है। वो बड़े ही फेमस एक्टर हैं और उन्हें बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग समझे होंगे मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की। और वो अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि वो तुर्की गए थे और तुर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ से भी उनकी एक मुलाकात हुई थी। इसलिए इंडिया में या फिर इंडिया में मेजरली उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। बाकी जगह पे तो शायद उनकी तारीफ हो रही होगी, पाकिस्तान में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आज उन पर ही वीडियो है। चलिए देखते हैं कि क्यों ट्रोल हो रहे हैं, क्या वजह है, उसके बाद हम अपनी जो है गुफ्तगु स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तू स्वरा सी सेक्युलर है, मैं अक्षय सा कॉम्युनल प्रिय। तू टर्की जितनी प्यारी है, मैं भारत सा रेडिकल प्रिय। तू पाकिस्तान की गोली है, मैं हनुमंत थप्पा का सूडो नेशनल प्रिय। मैं आमिर की बीवी का डर, तू टर्की वाली मम्मी का आंचल प्रिय। तो भाई साहब माँ कसम, अब उम्मा कसम, बड़ी तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी। मतलब इतनी तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी और बिना बात भक्तों ने, कमबख्तों ने जो है इस कंट्रोवर्सी को तूल दे दिया है। अब बताओ, टर्की बेचारे इतने सेक्युलर देश के फर्स्ट लेडी से आमिर खान मिल लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई साहब, क्या दिक्कत होगी? लेकिन भाई इन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी करनी थी तो इन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। तो आइए इस पूरी कंट्रोवर्सी का बहुत ढंग से, बहुत सेक्युलर ढंग से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम इतने सेक्युलर हैं कि हम टर्की को भी टर्की बोलते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले जानते हैं कि पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि आमिर खान पहुंच गए थे टर्की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने के लिए। अब टर्की में उन्होंने सोचा कि चलो यहां पर आ ही गए हैं तो फर्स्ट लेडी से भी मिला जाए। तो टर्की की फर्स्ट लेडी से लाल सिंह चड्ढा के लाल मिल लिए और उनकी मीटिंग के बाद लाल सिंह चड्ढा के इस लाल को लोगों ने लाल पीला कर दिया। पर लोगों ने ऐसा किया क्यों, लोगों को बुरा लगा क्या, वो जानते हैं। तो भाई लोगों को बुरा ये लगा कि टर्की जो एंटी इंडिया स्टैंड रखता है पिछले 3 दशकों से, और हाल फिलहाल में तो उनका एंटी इंडिया जो स्टैंड है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। एंटी इंडिया ही नहीं, एंटी हिंदू स्टैंड भी है उनका। तो इस वजह से लोगों को बुरा लगना लाजमी था। लोगों को इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि आमिर खान टर्की में जाके शूटिंग कर रहे थे। लोगों को इस बात से गुरेज है कि टर्की के फर्स्ट लेडी से आमिर खान मिले, वो फर्स्ट लेडी जिसके पति जो है वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, यूएन के अंदर। और साथ ही साथ आमिर का फर्स्ट लेडी से ये भी कहना था कि मेरी पत्नी यहाँ पर 2 वीक रुकी और बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। इतना तगड़ा एक्सपीरियंस तो उनको कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये वही पत्नी है जिनको भारत में डर लग रहा था, जो भारत को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाह रही थी, और वो एंटी इंडिया कंट्री में जाकर बहुत सेफ, बहुत साउंड फील कर रही थी। तो बुरा लगना शायद लाजमी भी था। किरण एंड आई हैव लिव्ड ऑल आवर लाइव्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किरण सेज शुड वी मूव आउट ऑफ इंडिया। नाउ दैट्स अ डिजास्ट्रस एंड वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर किरण टू मेक टू मी। शी फियर्स फॉर हर चाइल्ड, शी फियर्स फॉर यू नो व्हाट द एटमॉस्फेयर अराउंड अस विल बी। शी फील्स स्केयर्ड टू ओपन द न्यूज़पेपर्स एवरी डे। सो माय वाइफ इज टेलिंग मी दैट यू नो शी लिव्ड हियर फॉर 2 वीक्स and she was really you know mixing in with the people and she made friends in the house she was staying in. So you really come to know a city by the people, you know, and she had a wonderful time. अब एक और तो आमिर खान जो है वो 2020 में फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की से मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 2018 में बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियों को न्योता भेजा गया था मिलने का बेंजामिन नेतन्याहू से। बेंजामिन नेतन्याहू कौन? बेंजामिन नेतन्याहू हैं इसराइल के प्रेसिडेंट, वो इसराइल जो भारत का मित्र देश है, जो भारत को टेक्नोलॉजी से लेके बाकी अन्य जगहों पर मदद करता है। लेकिन हमारे शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इन तीनों ही खानों ने बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से मना कर दिया। धोखा स्वभाव है मेरा। अब ना मिलने की असली वजह क्या थी? या तो वो सही में बिजी थे, या फिर ये वजह थी कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है। भारत के मुसलमान फिलिस्तीन के मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं और इसराइल का विरोध करते हैं। तो हो सकता है अपनी ऑडियंस को बचाने के लिए इन तीनों खानों ने बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से मना कर दिया हो। अब यहाँ से स्पेकुलेशंस ये भी लगाए जाते हैं कि टर्की जो भारत के मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर खबर रखता है, तो उसकी फर्स्ट लेडी से मिलना भारत के मुसलमानों को
अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि टर्की जो एंटी इंडिया स्टैंड रखता है फिर भी आमिर खान उनसे मिल लिए जबकि इसराइल के प्रेसिडेंट से नहीं मिले। अब ये जान लेते हैं कि टर्की इंडिया के अगेंस्ट क्या क्या कर रहा है, इसका इतिहास क्या है, और साथ ही साथ अगर टर्की एंटी इंडिया ना भी होता तो भी ये मीटिंग कितनी घटिया होती। तो ये शुरू करते हैं 1947 से भारत को आज़ादी मिली, पाकिस्तान को आज़ादी मिली, और उसी के साथ साथ टर्की ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा स्टैंड तो है उम्मा के साथ, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि चलो यार ठीक है तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर लो कोई बात नहीं, पर हम ट्रेड तो आपस में कर ही सकते हैं। तो भारत और टर्की का ट्रेड चालू था जबकि टर्की का सपोर्ट पाकिस्तान को था। पिछले 3 दशकों से टर्की भारत के अगेंस्ट वोकल होकर खड़ा हुआ है, भारत कश्मीर को अपना बताता है, टर्की उसका विरोध करता है और कहता है नहीं पाकिस्तान का है, भारत कश्मीर से 370 को हटाता है, टर्की इसका विरोध करता है और यूएन में खड़ा हो जाता है कि देखिए भारत ने कितना गलत कर दिया। टर्की का मन यूएन में बोलकर भी नहीं भरता है, उसके बाद टर्की के प्रेसिडेंट की जो विजिट है वो पाकिस्तान में होती है, और जब वो पाकिस्तान में जाते हैं उसके बाद वो भारत के अगेंस्ट 370 के अगेंस्ट और कश्मीर के लिए बहुत वोकल होकर बहुत मुखर होकर पाकिस्तान से बोलते हैं। अब दोस्तों ये जानते हैं कि टर्की ने ये सब कुछ किया तो इसके अगेंस्ट में भारत ने क्या किया। साल 2015 तक भारत ने कुछ नहीं किया, कड़ी चावल निंदा भी नहीं करी। भारत और टर्की के बीच का जो ट्रेड था वो 6.6 बिलियन यूएस डॉलर तक का चल रहा था 2015 तक। फिर जब टर्की ने यूएन के अंदर 370 और कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उसके बाद वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के प्रेसिडेंट, ग्रीस के प्रधानमंत्री और अर्मानिया के प्रधानमंत्री से वहीं पर मीटिंग चालू कर दी। अब ये 3 देश इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये 3 देशों का जो डिस्प्यूट है वो टर्की के साथ बहुत गहरा है। मतलब यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का जैसा डिस्प्यूट है उसी तरीके से इन 3 देशों का टर्की के साथ डिस्प्यूट है। साल 2019 अक्टूबर के महीने में नरेंद्र मोदी को टर्की सपोजिटली जाना था लेकिन इस शेड्यूल को कैंसिल करके उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। भारत के डिफेंस मटेरियल्स जो हैं वो टर्की में एक्सपोर्ट किए जाते थे, भारत ने उसको टर्की भेजना बंद कर दिया। साथ ही साथ टर्की से जो इंपोर्ट किया जाता था सामान उस इंपोर्ट पर भी काफी हद तक बैन लगा दिया गया। इस सब के बावजूद भी जब टर्की ने पाकिस्तान में जाकर 370 और कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने टर्की को समन भेज दिया और कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में टर्की जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है। अब दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि टर्की जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड रखता है, पर अगर टर्की एंटी इंडिया ना भी होता और इस नेशनलिज्म के इशू को हटा भी दें तो भी ये मीटिंग कितनी गलत है उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों लिब्रांडो को नेशनलिज्म समझ में आती नहीं है तो दूसरे पर्सपेक्टिव को देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की जिनका नाम है अर्डोगन, वो मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, वो उम्मा को कुछ खास ही महत्व देते हैं। तो ये भाई साहब भारत के मुसलमानों से लेकर आईसिस के मुसलमानों को वू करते रहते हैं। टर्की के प्रेसिडेंट ने ना केवल आईसिस को सपोर्ट किया बल्कि सलाफी मूवमेंट तक को इन्होंने सपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ आईसिस एज वेल एज अलकायदा इन 2013। सीरिया में 60,000 आईसिस के जिहादी जो हैं जिहाद करने के लिए पहुंचते हैं और उनको रास्ता प्रदान करता है कौन? टर्की। टर्की का आईसिस सपोर्ट इतना ओपन था कि आईसिस खुले में कहता था टर्की टर्की हमें रास्ता दो, और टर्की वाले कहते थे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अब ऐसा नहीं है आईसिस ने टर्की के अंदर कोहराम नहीं मचाया, टर्की में भी कोहराम मचाया लेकिन केवल कुर्दिश कम्युनिटी पर जो कि वहां पर माइनॉरिटी है। फिर 2016 में यूएस ने टर्की के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया और कहा कि आईसिस के ऊपर लगाम लगाओ, उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो तुम। तो उसके बाद टर्की ने जहां पर लाखों आईसिस के सपोर्टर्स बैठे हुए थे उनमें से केवल 1,000 लोगों को पकड़ा और मामले को रफा दफा कर दिया। अब दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर हमारे लिब्रांडुओं का क्या कहना है उसको भी एक बार देख लेते हैं। भाई इस पर हमारी आरफा खानम शेरवानी ने कहा कि भाई आमिर खान जो है ना उन्होंने जो किया उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आमिर खान कौन है उससे लोगों को फर्क पड़ता है। ये पूरी कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर है। बेसिकली आरफा जी ये बोल रही है कि आमिर खान मुसलमान है इस वजह से ये सारी दिक्कत हुई है, अदरवाइज ये कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। लॉजिक देख रहे हो मैडम का, इतना भयंकर लॉजिक है भाई साहब कि ये मैडम कह रही हैं कि जब लोगों ने इनको स्टार बनाया तब ये नहीं देखा कि ये मुसलमान हैं, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी करनी थी तभी देखा कि ये मुसलमान हैं। मरहूम कलाम साहब की सभी इज्जत करते हैं तो क्या उनका धर्म देखा जाता है या उनका कर्म देखा जाता है इज्जत करने से पहले? वहीं स्वरा कन्हैया राजदीप जैसे लोग हैं ये सभी हिंदू हैं,
तो क्या इनका धर्म देखा जाता है या इनका कर्म देखा जाता है इनको क्रिटिसाइज करने से पहले? अब जब आमिर खान पर कंट्रोवर्सी हो गई तो लिब्रांडो ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अक्षय कुमार को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अक्षय कुमार को ट्रेंड करते हुए ये पूछा कि अगर अक्षय कुमार इस मीटिंग को कर लेते ना तो भाई इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती, ना जाने कौन से अगर कौन सी फैंटेसी लैंड में ये जीते हैं। लिब्रांडो की पूरी जिंदगी जो है वो अगर में ही निकल जाती है। अगर हर्षल गिब्स वो कैच कर लेते तो साउथ अफ्रीका वो वर्ल्ड कप जीत जाती। अगर इस कबूतरी को फोटोशॉप आती तो ये भी आरफा खानम शेरवानी बन जाती। अगर सोनम कपूर को एक्टिंग आती तो सोनम कपूर एक्टर बन जाती। भाई साहब इन कमबख्तों की पूरी जिंदगी जो है वो अगर में ही चल रही है। राम मंदिर का भूमि पूजन होता है तो ये आर्टिकल लिखते हैं, अगर मस्जिद टूटी ना होती तो मंदिर ना बनता। जहां एक और लाल सिंह चड्ढा के आमिर खान कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ गए थे, वहीं करीना कपूर का ये इंटरव्यू, जो कि लाल सिंह चड्ढा की एक्ट्रेस हैं, उनका ये इंटरव्यू वायरल हो जाता है। The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers as also, they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you, so I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird. अब भाई फैसला लोगों को करना है कि इनकी फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। अब इनको सड़क दो जितना प्यार देना है या फिर दंगल जितना। अब आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के ऊपर और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और इस भाई की पूरी वीडियो देखने के बाद इतना पता लगा है कि भाई वो क्यों गलत था, वो मीटिंग क्यों गलत थी। एक तो तुर्की जो है वो हमेशा से एंटी इंडिया स्टांस लेता है, कश्मीरी इशू पे बहुत बोलता है, ठीक है, जबकि कहाँ तुर्की है और कहाँ इंडिया है, कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है, ना ही हमारा जो है पड़ोसी है। फिर भी वो सिर्फ इसलिए बोलता है क्योंकि वो पाकिस्तान को खुश करना चाहता है, ठीक है। और पाकिस्तान, वैसे जितने भी मुस्लिम देश हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक पाकिस्तान के अलावा शायद एक आधे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो पाकिस्तान के पास ना एक ये स्पेशल उसके पास चीज़ है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वैसे ज़्यादातर मुस्लिम देशों के पास नहीं है, ठीक है। कुछ ट्राई कर रहे हैं, तुर्की के पास भी आई थिंक नहीं है अभी, और वो भी ट्राई कर रहा है कि उसके पास डेवलप हो जाए न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि उसके पास यूरेनियम की मात्रा काफ़ी है, यूरेनियम चाहिए होता है न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। तो यूरेनियम उसके पास है पर उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए, तो इसलिए वो पाकिस्तान को खुश करना चाहता है। और पाकिस्तान का तो पता ही है आपको, वो तो दुनिया भर में वो खुद मानता है कि वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर रहा है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पाकिस्तान खुद कहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर रहा है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है जो ऑलमोस्ट 98% मतलब मुस्लिम वर्ल्ड के पास, मुस्लिम किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं। तो ऊपर से जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं वो खुद खलीफा बनना चाहते हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं, पर काफ़ी न्यूज़ आती है कि उनका सपना है कि वो अपने मतलब तुर्की को ना वो दर्जा देना चाहते हैं जो मतलब ऑटोमन एम्पायर के टाइम था, खलीफा वाला। तुर्की के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो पूरी मुस्लिम जो वर्ल्ड है उनको मतलब उनको लीड करें, इसलिए वो मुस्लिम को मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे स्टांस लेते हैं। आईएस इतना बड़ा आतंकी संगठन है उसको भी सपोर्ट करता है वो, मतलब अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत। आईएसआईएस को भी सपोर्ट करते हैं, और जैसे कि उसने बताया कि मतलब किसी भी तरह से वो सभी मुस्लिम वर्ल्ड को खुश करके उनको दिखाना चाहता है कि मैं आपके लिए खड़ा होता हूँ, तो मुझे लीडर मानो। एक तो ऐसा स्टांस, ठीक है। ऊपर से जैसे कि वीडियो में बताया कि एंटी हिंदू स्टैंड भी है, वैसे मैं सच कहूँ तो मैंने एंटी हिंदू स्टैंड के बारे में मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसा कमेंट सुना नहीं है, अक्सर वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स ही देते हैं पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान को जो है खुश करने के लिए। और पाकिस्तानी भी जो है वो तुर्की के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, और वो मतलब
मतलब एर्दोगान को बहुत ज़्यादा ही अच्छा मानते हैं। ठीक है, अभी वो जो एक तुर्की की एक वेब सीरीज आई थी ना, जो काफ़ी फेमस हुई थी, इर्दगल, शायद इर्दगल उसका नाम है, और वो पाकिस्तान में काफ़ी हिट गई थी। मतलब अगर आप यूट्यूब पे उस वेब सीरीज को सर्च करो और उसका कमेंट सेक्शन पढ़ोगे, तो आपको करीब 80% कमेंट्स हैं ना, वो पाकिस्तानियों की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, तो वो बहुत फेमस है वहाँ पर। तो अब ये सब होते हुए भी देखो, अब आमिर खान वहाँ पर गए, उनकी बीवी से मिले, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि उनकी ऑडियंस जो है वो इंडियन है, और इंडिया की जिसके साथ बिल्कुल नहीं बनती है। अब वहाँ पर जाके बात करोगे तो फिर ट्रोल तो आपको होना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इंडियंस को हर्ट तो होगा ही ना। अब भाई देखो, ये ऐसा वाला ही सिस्टम है कि अगर एक घर की दूसरे घर से लड़ाई हो जाती है, तो मतलब ऑटोमेटिकली वो जो है ना, उस घर के सभी बंदे एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरे घर के बंदे को नहीं बुलाएगा। ठीक है, कि हमारी लड़ाई चल रही है, तो आमिर खान को जो भी मिला है वो इंडिया से मिला है, तो उनको थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि वो ना जाएं। पर मेरे हिसाब से शायद ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि भाई किसी भी तरह की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अच्छी ही होती है। अभी आमिर खान इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, उनकी मूवी आ रही है, तो ये भी शायद एक पब्लिसिटी स्टंट होगा कि उनकी मूवी आ रही है इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, और फ्री की उन्हें मतलब एडवर्टाइजमेंट मिल गई। अब जो भी था, जैसा भी था, उनको वैसे तो नहीं जाना चाहिए था, पर अगर वो अब इस वीडियो में ना एक पॉइंट उठाया गया है कि शायद मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, जैसे कि वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आए थे, तो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों में से कोई भी जो है मिलने नहीं गया था मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का इसराइल के साथ थोड़ा पंगा रहता है, क्योंकि वो फलस्तीन को जो है वो सपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, और इसराइल और फलस्तीन का बिल्कुल नहीं बनता, वो एकदम कट्टर दुश्मन है। पर अगर उनका स्टैंड ज़रा सा भी ऐसा हो कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को अपीस करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये थोड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि भाई इंडिया में आमिर खान के मतलब हिंदूज भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके फ़ैन हैं। मैं खुद बड़ा बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैंने काफ़ी सारी उनकी जो है वीडियोस देखी है, थ्री थ्री इडियट्स मैंने कितनी बार देखी होंगी। तो अगर सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा लिया है, तो ये उनके लिए फिर मतलब ये जो उन्होंने किया ये उल्टा भी पड़ सकता है। ठीक है, अब बाकी वो जब उनकी मूवी का ट्रेलर आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि इंडियंस कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आमिर खान का ये जो उन्होंने किया है तुर्की जाके कैसा लगा आपको। ठीक है, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।